दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट में देखिए बहुत सारे तरीका है पैसे कमाने का। जैसे स्टॉक बाय करके पैसे कमा सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग, बहुत सारे तरीका है। लेकिन एक ऐसा भी तरीका है जो शॉर्टकट, जैसे मान चलिए कोई नौकरी करता है, उनको समय नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, लेकिन वो फिर भी पैसे कमा सकता है। किस तरीके से कमा सकता है आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो है एक आईपीओ खरीदा हुआ है, तो उस कंपनी में हम पैसा लगाएंगे, जो ये नया कंपनी आ रहा है उसमें उनका आईपीओ आता है बेसिकली, तो उस आईपीओ में हम पैसा लगाएंगे। और उस आईपीओ से, उस आईपीओ जो आने वाला है, जो वो लिस्टिंग गेन देगा हमें, जैसे मान चलिए जब लिस्ट होगा वो 200%, 300%, 400%, 50% जैसा भी देगा, उस परसेंटेज वाइज हम लोग पैसे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से आईपीओ ले सकते हो और अलॉटमेंट कैसे मिल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो एक आईपीओ लिया हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे जो है अलॉटमेंट नहीं मिला है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लेना है और मुझे जो अलॉटमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मैं आपको जो एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ अलॉटमेंट मिलने का। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको आईपीओ बाय करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप आईपीओ लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपका जो है जो भी डीमैट अकाउंट है, जैसे आप ग्रो यूज कर सकते हो या फिर आप धन यूज कर सकते हो, आप स्टॉक यूज कर सकते हो या फिर एंजल वन, जो भी आपका इच्छा है। बाकी बात जो है सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा आईपीओ दिख रहा है, तो आपको किसी में एक में क्लिक कर देना है जो आपको पसंद है, जिसको आपको लेना है, जो आप कंपनी जानते हो। क्लिक कर देने के बाद जो है अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। अप्लाई करने के बाद जो है आपके बाद जो है आपको 2-3 दिन का जो है टाइम लगता है। जैसे मान चलिए आप अप्लाई किए, अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको, जो अलॉटमेंट मिलेगा, उसके बाद जो है थोड़ी दिन होगा आपका क्लोजिंग डेट रहेगा, उसके बाद जो किस दिन ये लिस्टिंग होता है, उसके बाद किस दिन ये है शेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जो आप इसे बेच सकते हैं। तो इन सभी प्रक्रिया को पार करने के बाद जो है आप जो है आईपीओ का पैसा ले सकते हो। तो इस तरीके से जो भी जैसे नौकरी करते हैं तो उनका जो समय नहीं मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो जो है इन चीजों को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।